सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कहते हैं कि एक गलतफहमी अच्छे अच्छे रिश्ते को भी तोड़ देती है, लेकिन वह रिश्ता अच्छा कैसे हुआ जो एक गलतफहमी से ही टूट जाए। जिन लोगों को दूसरों की कुछ ज्यादा फिक्र होती है ना, वो खुद इस दुनिया में अकेले रह जाती हैं। कभी खुशियाँ कभी उदास होगी, कभी जीत तो कभी हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है दोस्तों, धीरे धीरे ही पार होगी। आज का पंचांग 21 अगस्त 2022 दिन रविवार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रात्रि 3:36 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 7:41 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:15 से 6:50 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:04 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगी। तुला राशि 21 अगस्त 2022 दिन रविवार, आपको आगे बढ़ने की बहुत से अवसर मिलेंगे, लेकिन उन सबको हासिल करने की जल्दी में ना रहें। अपने सभी विकल्पों को ध्यान से सोच समझकर ही आगे बढ़ें। अपने दोस्तों के साथ भी बांटें। यह ऐसा समय होगा जब आपको कई प्रयास करने होंगे। सब कुछ भाग्य पर ना छोड़ें। आपके कार्य ही आपके मार्ग का निर्माण करेंगे। क्लब या सामाजिक कार्यक्रमों में दोस्तों की कंपनी में अधिक समय बिताने के बाद अब आपको आराम करने की जरूरत है। सेहत के लिए यह समय शानदार है। अंदरूनी या उच्च शक्ति से एक हानिकारक मार्ग को रोका जा सकता है। रिचार्ज करने के लिए कुछ स्थायी अकेलेपन का मजा लें। कल मैंने संघर्ष करने का प्रयास किया था और आज मैं जीतने की हिम्मत करता हूँ। यह पंक्तियाँ आपकी वर्तमान स्थिति और विचारों को उचित रूप से बताती है। आज नए रिश्ते बनेंगे और पुराने और भी मजबूत होंगे। आपको आसानी से सफलता मिलेगी और राह में आने वाली रुकावटें नए मौके के लिए रास्ता बनाएगी। दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा। आपके नेतृत्व में कोई पारिवारिक अथवा सामाजिक कार्य संपन्न हो सकता है। रिलैक्स महसूस करने के लिए परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधित योजनाएं भी बनेगी। इससे आपसे संबंधों में भी मधुरता आएगी। आपके द्वारा किए गए निर्णय की वजह से परिवार में अशांति का माहौल रहेगा, लेकिन यह निर्णय लेना आवश्यक था। इस बात का एहसास हर एक व्यक्ति को होगा। पैसों से संबंधित लेन देन की वजह से आपको निराशा महसूस हो सकती है। व्यक्तिगत दायरा जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक गलत व्यवहार को रोक पाना संभव नहीं होगा। काम से जुड़े बातों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। परिवार के द्वारा डाले गए दबाव की वजह से रिलेशनशिप संबंधित चिंता महसूस हो सकती है। आप पर बढ़ रहे तनाव का असर सेहत पर नजर आएगा। आज के दिन ऐसे काम करने के लिए भी बेहतरीन है जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करती हैं। अपने जीवन साथी के साथ धन से जुड़े किसी मामले को लेकर आज आपका झगड़ा हो सकता है। हालांकि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। घरेलू मामलों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप खुले दिल से अपनी बात रखें तो आपकी मोहब्बत आज आपके सामने प्यार के फरिश्ते के रूप में आएगी। खाली वक्त का आज आप सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों पूरे नहीं हो पाए थे। शादीशुदा जिंदगी के नजरिए से यह दिन शानदार भी रहेगा। नौकरों और सहकर्मियों से परेशानी होने की संभावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता। सावधानियां, दोपहर बाद कोई चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हालांकि आप धैर्य और संयम से उसे सुलझाने में सक्षम भी रहेंगी। मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय व्यर्थ करने से अपने महत्वपूर्ण कार्य रुक सकती हैं। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के प्रयासों में घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंध भी मर्यादित बने रहेंगे।
अपने आप कुछ ना हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा लगता है कि आप हाल ही में किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहतर, आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा। लेकिन ध्यान रखें, यह केवल आपका वहम है। पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे, इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहें। यह समय है अपने ड्रीम को पूरा करने का। प्रेम के मामलों में आप बहुत गंभीर हैं और भविष्य में अपने गुणों के कारण आपका पार्टनर आप पर अधिक विश्वास करेगा। आज किन्हीं कारणों से जेल या अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपकी जिंदगी आज एक नया मोड़ लेगी। आप अपनी योजनाओं को दूसरे को बताएं और इससे आप मूल्यवान सुझाव भी प्राप्त कर सकते हैं। प्यार एक चुनौती हो सकता है, लेकिन समय के साथ साथ आपके बीच की डोर और मजबूत होगी। अपने संबंध को लेकर एक दूसरे को समझें व सख्त नियम ना बनाएं। बात करते हैं करियर की। आप में अति आत्मविश्वास पैदा होगा क्योंकि आपके सारे कार्य बड़ी खूबसूरती के साथ क्रियान्वयन हो रहे हैं। आज समय है कि आप अपना कदम पीछे लें और सोचें कि वास्तव में आपके लिए क्या आवश्यक है, उसका मूल्यांकन करें और ध्यान दें कि आप अपनी क्षमताओं से क्या हासिल कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके जितनी चादर है उतना ही पांव फैलाएं। आज आपका दिन अलग ही स्तर पर है, जहां आप सब कुछ भूलकर अपनी रहस्यमय दुनिया में मग्न हैं। किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए शारीरिक संयम बनाए रखें। अपने नए उत्पाद के लिए नए विचारों की तलाश करें। इंटरनेट एक बेहतरीन स्रोत है। कल मैंने संघर्ष किया और आज मेरी जीत हुई, यह कहावत आपकी स्थिति का अच्छे से वर्णन करती है। अभी आप तनावपूर्ण स्थितियों का सामना कर सकते हैं, ऐसे में अपनी प्रियजनों की मदद लें। थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखें, मुश्किलें ही सफलता की सीढ़ियां हैं। व्यवसाय में सुधार लाने के लिए अभी और प्रयास की जरूरत है। भविष्य संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने की कोशिश कामयाब रहेगी, परंतु अपनी सामर्थ्य से अधिक उधार लेने का प्रयास ना करें। बात करते हैं सेहत। घुटनों तथा जोड़ों में हल्के फुल्की दर्द जैसी समस्या रह सकती है। आज के दिन कोई भी नई शुरुआत करने के लिए भी कई लोगों के लिए अच्छा है। अगर आप नौकरी, करियर या बॉस बदलने या कोई नया संबंध शुरू करने की योजना बना रही हैं, तो आज का दिन बिल्कुल सही है। परंतु अपने सेहत पर पूरा ध्यान रखें, वरना यह बिगड़ सकती है। बढ़ रहे तनाव का असर सेहत पर भी नजर आएगा, ध्यान रखें। आज का उपाय, माथे पर चंदन का तिलक लगाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।